हमारा शरीर होता है वो एक व्हीकल की भांति होता है, यानी कि एक वाहन की भांति होता है। जैसे वाहन का एक पुर्जा सही तरीके से कार्य करना बंद कर देता है तो फिर कभी ना कभी वो कई कई प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, ठीक से चल नहीं पाता है, वो थोड़ी दूर चलता है फिर कोई ना कहीं किसी अन्य पुर्जे में कोई समस्या पैदा हो जाती है। तो इसी प्रकार इसी भांति हमारा शरीर होता है। अगर हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर हैं या हमें किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां हैं होती हैं जिनको हम छोटी मोटी बीमारियां मानते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आगे जाकर के बड़ी समस्या में बदल जाती है। जैसे हाई बीपी, लो बीपी, थायराइड, डायबिटीज, ये आमतौर पर हर इंसान के हैं, लेकिन इन पे अगर अपन ध्यान नहीं देते हैं तो ये क्या होती है, धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। कभी हमें थकान हो रही है, कभी हमें चक्कर आ रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर का कार्य, हमारा दिमाग का संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है और शरीर ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। तो इन्हीं में से आज हमें एक छोटी मोटी बीमारी जिसको बोलते हैं, या मतलब हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसी ही बीमारी का हम टॉपिक लेंगे, डायबिटीज का। डायबिटीज का मतलब डायबिटीज है क्या, इस डायबिटीज क्या है, कितने प्रकार की होती है, उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, और अंत में हम उपचार भी जानेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा वॉच करना है, आपके बहुत ही काम की चीज है, स्पेशली जिनके डायबिटीज है वो तो पूरा जरूर सुने, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। और नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों से ग्लूकोज निकलता है। ग्लूकोज पैंक्रियाज हमारे शरीर में एक होता है जो पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को उत्पादित करता है। इंसुलिन, ये इंसुलिन हार्मोन होता है जो खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है उसको ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में, पूरे शरीर में पहुंचाता है और वो एक एनर्जी का कार्य करता है, यानी कि वो ब्लड में जो ग्लूकोज घुलनशील होता है वो हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन किसी कारणवश पेंक्रियाज एक्टिव इंसुलिन नहीं बना पाता है तो ऐसे में हमारे जो ब्लड के अंदर है वो धीरे धीरे शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है या ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है, जिस कारण इसी को हम क्या का नाम देते हैं, ग्लूकोज लेवल जैसे जैसे हमारे ब्लड में बढ़ता है तो इसी से हमें क्या बन जाता है, डायबिटीज, मधुमेह या शुगर कह देते हैं हम इसको, क्योंकि वो लेवल बढ़ जाता है और हमें ऊर्जा नहीं मिल पाती है। अब है डायबिटीज के कितने प्रकार की डायबिटीज होती है, डायबिटीज होती है सामान्यतया तीन प्रकार की डायबिटीज होती है। एक होती है टाइप 1, टाइप 2 और गर्भकालीन डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज होती है वो ज्यादातर बच्चों में या युवा में होती है क्योंकि उनका प्रतिरोधक प्रणाली होती है वो शरीर के खिलाफ कार्य करना शुरू कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि इंसुलिन सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता है और ग्लूकोज नहीं पहुंचा पाता है। दूसरा है टाइप 2। टाइप 2 होता है वो उम्र दराज लोगों में पाया जाता है, यानी कि 40, 45 या 50 के लगभग या उससे भी ऊपर है भी हो सकता है, या हमारे जो शारीरिक गतिविधि नहीं होने की वजह से या हार्मोनल डिसऑर्डर होने की वजह से इंसुलिन का कार्य होता है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तीसरा है गर्भकालीन डायबिटीज। गर्भकालीन डायबिटीज होता है वो गर्भकाल तक ही रहता है, यानी कि 9 मंथ तक ही रहता है और उसके पश्चात वो स्वतः ही ठीक हो जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके पश्चात वो ठीक हो जाता है। और वो क्यों होता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर बच्चे की ग्रोथ करने के लिए हमारे प्राकृतिक रूप से हमारा शरीर के हार्मोन्स होते हैं वो बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, लूज कार्य करना चालू करते हैं, स्लो मोशन में कार्य करना चालू कर देते हैं, तो इससे जो ग्लूकोज लेवल होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाता है, स्लो कार्य होता है तो। और दूसरी बात, हमारी कोई शारीरिक इतनी बहुत ज्यादा इस तरीके की गतिविधि या एक्सरसाइज नहीं होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन भी कम उत्पादित हो पाता है और ग्लूकोज लेवल नहीं पहुंच पाने के कारण, एक जगह इकट्ठा होने के कारण शुगर लेवल डायबिटीज हो जाता है। रीजन ये भी होता है कि जैसे कई बार हमारा चटपटा खाने का मन करता है, कई बार बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन करता है। अगर अपन बाहरी तौर पर खाद्य पदार्थों में बहुत ज्यादा शुगर लेवल ले लेते हैं तो इससे भी डायबिटीज हो जाता है। ये एक गर्भकाल की समस्या है तो ये गर्भकाल तक ही रहती है, बाद में स्वतः ही ठीक हो जाता है। अब है डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं, यानी कि हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन इनके लक्षण होते हैं, वैसे तो सामान्य लक्षण होते हैं लेकिन वो धीरे 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 ध्यान नहीं दे पाते हैं तो हमारे शरीर में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सामान्य लक्षण क्या होता है, जैसे चक्कर आना, थकान महसूस होना और
उल्टी होना, वजन कम होना, बार बार टॉयलेट आना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, धुंधलापन दिखाई देता है, और किसी प्रकार का हमें घाव हो जाता है तो वो धीरे धीरे भरता है। यानी कि सामान्य तौर पे तो हमें घाव भरने में एक जो समय होता है वो लगता है, लेकिन अगर डायबिटीज का लेवल हमारे शरीर में बढ़ चुका है तो वो उसको ही घाव को भरने में टाइम लगेगा। दूसरा, त्वचा संबंधी समस्या हो जाती है, यानी कि रूखापन होना या किसी भी प्रकार का कोई संकट, प्यास अत्यधिक लगती है, भूख अत्यधिक लगती है, डिहाइड्रेशन होता है, बार बार टॉयलेट आता है, ये सारे लक्षण होते हैं जिनको अपन सामान्य तौर पे एक सामान्य ही समझते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे सामान्य नहीं है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसके कारण क्या है? डायबिटीज होती किस कारण से है? डायबिटीज होती है टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होती है। शिक्षा प्रणाली होती है वो हमारे शरीर के खिलाफ कार्य करना बंद कर देती है, यानी कि जो अग्नाशय के अंदर इंसुलिन हार्मोन होता है वो कोशिकाएं बनाता है, तो उन कोशिकाओं को वो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो बाधित कर देती है, बनाने नहीं देती है, जिसके कारण हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है। और एक चीज और है कि ये आनुवंशिक भी होता है, क्योंकि बच्चों और युवाओं में पाया जाता है तो ये आनुवंशिक भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2, तो टाइप 2 डायबिटीज होती है उम्र दराज लोगों के लिए होती है, तो वो किस कारण से होती है? एक तो बढ़ती उम्र होती है, मोटापा होता है उनका, एक शारीरिक गतिविधि नहीं हो पाती है, एक अत्यधिक मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट या चाय भी बहुत पीते हैं कई लोग, कैफीन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी शुगर होता है, खाने में हाई शुगर लिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, या बीपी होता है उनका, तनाव या डिप्रेशन, चिंता होती है, नींद ढंग से पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इन सब कारणों से हमारे अंदर क्या टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। इन सबके उपचार, उपचार कैसे करें हम? ज्यादा शुगर लेवल बढ़ चुका है, आप डॉक्टर की देखरेख में हैं, तो आपको डॉक्टर की देखरेख से कार्य करना है, और इसके अलावा आपको अपने जो दैनिक जीवन है उसमें, खान पान में और जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उनमें कंट्रोल करके, कुछ खान पान ऐसा लेकर के और जो कुछ शारीरिक गतिविधियों को अपना करके आप अपने इन सब चीजों से उबर सकते हैं, यानी कि ऐसी बीमारियों से उबर सकते हैं। पहले आपको कम कैलोरी की, कम वसा की चीजों का खाने में इस्तेमाल करना है, खाद्य पदार्थों में, तेलीय पदार्थों का या हाई शुगर वाली चीजें होती हैं जिनमें शुगर लेवल होता है या मीठा होता है, तो उनका इस्तेमाल ना करें। जैसे आप 2 टाइम चाय लेते हैं तो उसमें आप शुगर बिल्कुल भी ना डालें। कई लोग शुगर फ्री पीते हैं, लेकिन शुगर फ्री कुछ नहीं होता है, शुगर फ्री कुछ होता ही नहीं है, अगर मीठा है मतलब शुगर है उसके अंदर, तो शुगर फ्री के आप चक्कर में ना रहें कि शुगर फ्री डाल लिया तो हमारे शरीर के अंदर शुगर नहीं जा रही है, सब कुछ जा रहा है। आपको चाय पी रहे हैं 1 टाइम 2 टाइम विदाउट शुगर पिए, बिना चीनी के पिए आप, कि धूम्रपान बीड़ी सिगरेट या शराब पीने का आपकी लत है तो उस पर कंट्रोल करें, नियंत्रण कर रहे हैं, यानी कि उसको बिल्कुल भी आपको बंद करना है। शारीरिक गतिविधि करना है, योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम, और जो पेंक्रिया, जो मैंने एक गत वीडियो में बताया भी है, जो डायबिटीज से संबंधित कुछ योगासन है तो वो आप करें, क्योंकि वो पेंक्रियाज को सक्रिय करके इंसुलिन हार्मोन को उत्पादित करने वाले योगासन है, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, तो उनको आपको करना है। मेडिटेशन भी करना है, घूमना फिरना बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब आप खाना खाएं या फल खाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि इनमें शुगर लेवल कम से कम हो या ना हो, शुगर लेवल होना ही नहीं चाहिए। फाइबर युक्त और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें, फल सब्जियां फाइबर युक्त और पौष्टिक हो वही आप खाएं, कि कम से कम आप नींद पूरी करें, डिप्रेशन या तनाव से थोड़ा दूर रहें, अपने से जितना दूर रहेंगे उतनी आपका शुगर लेवल है वो डाउन रहेगा, यानी कि सही रहेगा, और अगर चिंता डिप्रेशन रहती है तो इससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। एक प्रकार से इन छोटी मोटी बीमारियों का यही एक इलाज है। अगर आप डॉक्टर की मेडिसिन भी ले रहे हैं तो निरंतर आप टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहें, और जो मैंने बताया है वो डॉक्टर भी बताएंगे, और उनको आप अपनी जीवन शैली में जरूर अपनाएं। आज का अपना टॉपिक था वो यही समाप्त हो रहा है। आपको कैसा लगा टॉपिक? डायबिटीज के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में फिर से मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।